हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जो पेंटिंग आपको करके दिखाऊंगा वो एक बहुत ही सिंपल तरीके से पेंटिंग करूंगा, एक विलेज का सीन पेंटिंग। तो दोस्तों, आप जब वीडियो में आ ही गए तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको आज की इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो गाइस देखिए, मैं अभी कलर से स्केच कर रहा हूं, एक राफ करके, जहां पे दो घर होगा उसके सामने एक नदी होगी। ठीक है, मतलब कहां पर मैं क्या क्या पेंट करूंगा ये मैं कलर से एक जस्ट एक मार्किंग कर रहा हूं, और इसी मार्किंग को हम स्केच भी बोलते हैं। तो गाइस देखिए, हमारा जो राफ करके स्केच करना है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। अभी चलिए हम जो कलरिंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मैं आज इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं सिर्फ 3000 लाइक्स, इसलिए प्लीज गाइस आज के इस वीडियो में 3000 लाइक्स का टारगेट है वो कंप्लीट कर दीजिए। मुझे उम्मीद है आप कंप्लीट कर ही दोगे, तो इसलिए कंप्लीट कर दीजिए। अगर कंप्लीट हो भी गया है तब भी एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में एक कमेंट कर देना कि आपको ये पेंटिंग कैसा लगा और भी मैं कौन सा पेंटिंग आपके लिए लाऊं। और अगर आपको कुछ भी कमेंट करने का नहीं है तो भी एक रेड हार्ट कमेंट कर देना। तो देखिए, मैं सबसे पहले जो स्काई है, आसमान है, उसको मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। तो ये जो स्काई है, यहाँ पर मैं तीन तरह का कलर यूज़ कर रहा हूँ। एक है व्हाइट कलर, दूसरा है येलो कलर, और तीसरा है स्काई ब्लू कलर। ठीक है, ये जो स्काई ब्लू कलर है ये मैंने कैसे बनाई है, जो पर्शियन ब्लू होता है उसके अंदर में थोड़ा सा व्हाइट कलर मिला दिया है, तो उससे हमारा जो स्काई ब्लू कलर है वो बन गया है। तो आप देखिए, दूर का जो पहाड़ है उसी पहाड़ को पेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले पहाड़ को मैंने जो बेसिक कलर है पहाड़ का वो है ग्रीन कलर। अब पहाड़ को सिर्फ ग्रीन कलर नहीं होता, पहाड़ में बहुत सारा कलर होता है। जैसे कि अगर कोई पहाड़ है रॉक्स का, तो उसमें रॉक्स का जो कलर है वैसा होता है। अगर मान लो कोई पहाड़ है आइस का, मतलब बर्फ़ का, तो उसमें बर्फ का कलर जैसे कि व्हाइट हो गया, या फिर बर्फ का जो दूसरा कलर होता है वो भी आपको करना होगा। लेकिन मैं यहाँ पे जो पहाड़ पेंट कर रहा हूँ वो है ग्रीन कलर का पहाड़। ठीक है, तो इसीलिए मैं इधर में ग्रीन कलर दे दिया, और उसके बाद पहाड़ में मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर के साथ थोड़ा सा येलो कलर मिलाया, और उसी कलर से मैं उस पहाड़ को हाईलाइट कर दिया। तो आप देखिए, पहाड़ तो पेंट करना हो गया। अब जो घर के पीछे जो पेड़ है, मतलब वहाँ पर पेड़ पेंट करूँगा, तो इसीलिए मैंने उधर डीप ग्रीन कलर पहले दे दिया, क्योंकि डीप ग्रीन कलर कोई भी पेड़ पेंटिंग करने का बेसिक कलर है, अगर वो पेड़ ग्रीन कलर का है तो। ठीक है, अगर मान लीजिए आप कोई पेड़ पेंट कर रहे हो जो कि पूरा लाल कलर का पत्तियाँ है, तो आपको उसमें लाल कलर का जो बेसिक कलर है, यानी कि ब्राउन कलर या फिर डार्क रेड कलर, पर्पल, कुछ भी कलर दे सकते हो अगर आपका पेड़ रेड कलर का पेंटिंग करना है तो। ठीक है, तो इधर मैं पेड़ पेंट करूँगा ग्रीन कलर का, इसलिए मैंने पेड़ में सबसे पहले ग्रीन कलर दे दिया। तो पेड़ का बेसिक कलर दे देने के बाद अभी जो रास्ता होगा, मतलब स्ट्रीट, गांव का रास्ता, तो उधर देखिए मैं ये जो कलर दे रहा हूँ ना, ये है बिस्किट कलर। बिस्किट मतलब आप लोग बिस्किट खाते हो, तो बिस्किट का जैसे कलर होता है उसको मैं बोलता हूँ बिस्किट कलर, लेकिन इसका भी एक नाम है। इस कलर को बोलते हैं येलो ऑकर। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा मतलब हैवी नाम है, इसीलिए मैं इसको आसानी से बोलता हूँ बिस्किट कलर, क्योंकि बिस्किट के जैसा ये कलर है। तो अब देखिए, उसके बाद ये जो ब्राउन कलर है रास्ते के दो साइड में, ब्राउन कलर मैंने दे दिया। अब उसके बाद देखिए, ये जो मैंने बड़ा सा ग्राउंड पेंट किया घास का, अब देखिए उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने लाइट ग्रीन कलर दे दिया था, और थोड़ा सा डीप ग्रीन भी उसके साथ मिक्स किया था। अब उस लाइट ग्रीन के ऊपर मैं थोड़ा सा येलो मिला के, मतलब ग्रीन को मैं बहुत लाइट कर दिया। अभी उसी लाइट कलर से मैं ये जो ग्रास लैंड है इसको मैं पेंट कर रहा हूँ। तो देखिए, मैंने बहुत ही डिटेल में ग्रास लैंड को पेंट कर दिया, और बहुत ईजी वे में। तो ये हो गया ग्रास लैंड पेंटिंग। अब जो स्ट्रीट है, मतलब रास्ता है, उसको देखिए मैं पेंट कर रहा हूँ। तो बस ये जो कलर अभी मैं दे रहा हूँ ना, तो ये पता है कौन सा कलर है? ये जो है वो बिस्किट कलर, मतलब जो येलो ऑकर कलर है, उसके साथ मैंने थोड़ा सा व्हाइट कलर मिला दिया है, तो इसीलिए ऐसा कलर आ गया, और इसी कलर से मैं रास्ते को हाईलाइट कर दिया है। तो रास्ता लगभग हो गया पेंट करना। अब जो ये जो घर है, घर को पेंट करूँगा। तो बस घर का जो छाद है वो मैं घास का पेंट करूँगा, मतलब जो येलो कलर का जो घास है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने इधर घर के छाद में ब्राउन कलर दे दिया, और घर के दीवार में ब्राउन कलर से थोड़ा सा व्हाइट कलर मिलाया, और घर के जो दीवार है। ठीक है, तो दीवार देखिए, इधर मैं दो तरह का दीवार पेंट किया। एक दीवार है जहाँ पर जो सूरज का लाइट है वो ज़्यादा पड़ रहा है, तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइट पेंट किया, और जहाँ पे सूरज का लाइट कम पड़ रहा है जिस साइड पे, उधर मैं थोड़ा सा डार्क दे दिया। तो ये मैंने कैसे किया, ब्राउन कलर के अंदर मैं थोड़ा सा व्हाइट कलर मिलाया, तो ये कलर आ गया। ओके, तो ये हो गया घर का दीवार का कलर। अब घर के दीवार के ऊपर मैं ब्लैक कलर से जो विंडो है एंड डोर है ये मैं पेंट कर दूंगा, तो हो जाएगा। घर के ऊपर जो छत है, छत में मैं जो घास है, ठीक है, सूखा हुआ घास, यानी कि येलो कलर का जो घास है, उससे मैं घर का छत पेंट करूंगा। तो वो मैं कैसे करूंगा ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले देखिए, घर का जो सामने का जो डाइनिंग है, इसको डाइनिंग बोलते शायद, उसको मैंने पेंट कर दिया। और इधर देखिए, मैंने घर का दरवाज़ा भी पेंट कर दिया, और विंडो भी पेंट कर दिया। अब देखिए, ये है, ये थोड़ा सा लाइट ऑरेंज कलर है, मतलब ऑरेंज कलर के साथ मैं थोड़ा सा येलो कलर मिलाया, तो ये कलर आ गया। ठीक है, तो देखिए, इसी कलर से मैं घर के जो छाद है घास का, उसको मैं पेंट कर रहा हूँ। आप लोग देखे होंगे, जो गांव का घर होता है, अभी तो शायद ये सब घर नहीं है, लेकिन पहले के ज़माने में ये घर बहुत ज़्यादा हुआ करता था, और ये घर देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, मैंने बाद में येलो कलर से घर का जो छाद है उसको मैं हाईलाइट कर दिया। तो ये देखिए, जो घर है वो अभी बहुत ही शानदार लग रहा है दिखने में। तो गाइस, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से घर को पेंट किया। आई होप जो लोग बिगिनर्स हैं उनको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ गया है कैसे मैं ये घर को पेंट किया। अगर आपको अभी भी डाउट है कि मैंने कैसे घर को पेंट किया, ये आप शायद नहीं समझ पाए होंगे, तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखिए, और अगर फिर भी आप नहीं समझ पाएंगे तो आपको दूसरा जो वीडियो है घर पेंट करने का वो भी देख सकते हैं, क्योंकि मेरे इस चैनल पर विलेज पेंटिंग करने का बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, तो आप कोई भी वीडियो एक देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, घर के पीछे जो पेड़ है, तो एक तो पेड़ मैंने जो ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन कलर, उससे पेंट कर दिया। देखिए, अभी लाइट ग्रीन कलर से थोड़ा सा मैंने येलो कलर मिलाया, और उसी लाइट ग्रीन कलर से मैं पेड़ को पेंट कर दिया। तो अभी देखिए, जो पेड़ है वो कितनी खूबसूरत लग रहा है। और अभी देखिए, ये जो पेड़ है इसको मैं अभी पेंट कर रहा हूँ ऑरेंज कलर से। ठीक है, तो ये है ऑरेंज कलर। अब देखना, जब ये ऑरेंज कलर से मैं ये पेड़ को पेंट कर दूंगा ना, तब देखना ये पेड़ कितनी अच्छी लगेगा दिखने में।
तो गाइस अगर आप लोग मेरी इस कलर के बारे में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इस कलर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है कि ये कौन सा कलर है, आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पेंटिंग को बनाना चाहते हो तो आप एक्रेलिक कलर से या फिर पोस्टर कलर से या फिर फेब्रिक या फिर ऑयल पेंट से आप आसानी से बना सकते हैं, और वो भी सेम प्रोसेस में, मतलब जिस प्रोसेस में आपको ये पेंटिंग दिखा रहा हो सेम प्रोसेस में ही आपको एक्रेलिक कलर से ऐसा पेंटिंग बना सकते हैं। लेकिन आप अगर वाटर कलर यूज़ करते हो तो आपका प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो उसमें आपको ये प्रोसेस काम नहीं करेगा, क्योंकि वाटर कलर में अगर आप पहले ही डार्क कलर दे देते हो ना तो आपको बाद में उसके ऊपर आप कोई भी लाइट कलर नहीं दे सकते। अब गैस आप लोग मुझे ये मत बोलना कि सर आप भी एक वाटर कलर का पेंटिंग करके दिखाओ सीनरी पेंटिंग, क्योंकि गैस मैं जो मास्टर हूँ मैं वो एक्रेलिक पेंट में, ठीक है, एक्रेलिक टेक्निक में मैं मास्टर हूँ, तो इसीलिए मुझसे वाटर कलर उतना अच्छे से नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं कभी कभार वाटर कलर का पेंटिंग करता हूँ, मेरे शौक के लिए, वो मैं आपको नहीं दिखा था, कभी कभार मैं वाटर कलर का पेंटिंग करता हूँ। लेकिन मेरा जो मास्टरी है, मतलब मेरा जो मेन काम है जिस कलर से, वो है एक्रेलिक टेक्निक कलर। जैसे कि ये जो कलर है ये एक्रेलिक कलर नहीं है, लेकिन ये टेक्निक जो है ये एक्रेलिक टेक्निक है, और मुझे एक्रेलिक टेक्निक सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभार जब एक्रेलिक टेक्निक से बोर जाता हूँ तब मैं वाटर कलर या फिर ऑयल पेंट यूज़ करता हूँ कभी कभार, लेकिन ज़्यादातर मैं एक्रेलिक टेक्निक यूज़ करना पसंद करता हूँ। तो देखिए मैंने पानी को बहुत ही इस तरह से पेंट कर दिया ब्लू कलर से, और स्काई ब्लू कलर और व्हाइट कलर से मैंने पानी को पेंट कर दिया। अब पानी के इस साइड में एक छोटा सा लैंड है, ठीक है, तो देखिए उसको मैं पेंट कर रहा हूँ। ये मैं पेंट कर रहा हूँ घास, ये भी सेम टेक्निक से जिस टेक्निक से मैंने इस साइड में घास को पेंट किया, ये भी सेम वही टेक्निक से। तो ये देखिए मैंने घास को पेंट कर दिया। अब थोड़ा सा पानी का जो लहर है उसको पेंट करना होगा, तो ये देखिए हल्का हल्का मैं लहर को पेंट कर दिया, और उसके बाद इस साइड में एक बड़ा सा देखिए ट्री पेंट कर रहा हूँ। तो ट्री पेंट करने के सबसे पहले बेसिक कलर है वो है ब्लैक कलर, तो मैंने ब्लैक कलर को दे दिया। उसके बाद ट्री का जो ब्रांचेस है उसको मैंने पेंट कर दिया। अब ट्री को थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा, और हाईलाइट का जो कलर है ट्री का वो है ब्राउन कलर, और वो जो मैंने बोला बिस्किट कलर यानी कि येलो आकर, और उसके साथ थोड़ा सा व्हाइट कलर, ठीक है। तो इसी तीनों कलर से मैं ट्री को हाईलाइट कर रहा हूँ। तो हाईलाइट करने के बाद देखिए ट्री का जो पत्तियाँ है उसके लिए मैंने इधर ब्लैक कलर और डीप ग्रीन कलर, ये कलर दोनों मिला के मैंने ट्री का पत्तियाँ मैं इधर पेंट कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा मैंने पिंक कलर लिया, क्योंकि इसका पत्तियाँ पिंक कलर नहीं, ये पिंक कलर में इसका फ्लावर्स है, तो इसीलिए पत्तियाँ को मैंने ग्रीन कलर से पेंट कर दिया। उसके बाद जो फ्लावर्स है उस फ्लावर्स को मैंने पिंक कलर से पेंट कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया जो ट्री है, अभी देखिए कितना शानदार लग रहा है। तो अभी घर के उस साइड में एक और ट्री पेंट करूँगा जो कि ग्रीन कलर का। तो ये ट्री पेंट करने के बाद हमारा जो सीनरी है वो लगभग कंप्लीट हो ही जाएगा, लेकिन फिर मेरे को लगा कि इस सीनरी के अंदर कुछ खाली खाली लग रहा है, तो इसीलिए मैंने एक दो मतलब जानवर पेंट कर दिया। तो ये है एक हिरन, ठीक है, जो कि पानी में मछली पकड़ रहा है, तो इधर एक सिंपल तरीके से हिरन को पेंट कर दिया। और हिरन को पेंट करने के बाद इस साइड में एक डॉग को पेंट कर दिया। तो देखिए ये जो हिरन है हिरन को पेंट करना हो गया, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से पेंट किया, इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं किया, मतलब दूर से ऐसा लग रहा है कि हाँ इधर एक हिरन बैठा हुआ है और इस साइड में एक डॉग है। तो अभी जो हमारा पेंटिंग है वो लगभग अच्छा लग रहा है। तो गाइस देखिए हमारा अब जो पेंटिंग है ये कंप्लीट हो गया है। तो गाइस ये है फाइनल पेंटिंग, आपको ये पेंटिंग कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट करके बताना, और गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मैं 3000 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ इस वीडियो में, उसे प्लीज़ कंप्लीट कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।